ये इस साइड बिल्कुल जी मेरे को आवाज़ आई है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कोई पत्ते शत्ते हिलने की और एक अजीब सी आवाज़ आई है यहाँ से। बेहतरी है, मूव किया जाए। क्यों जी, मूव करें साकिब भाई, मूव करें, मूव करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ये हमारा प्रोग्राम है जी, हम आज जा रहे हैं चक्कर ट्रैक में, चक्कर भैया के पास इस्लामाबाद में। बहुत दूर सुने थे उसके बारे में कि बहुत अच्छा ट्रैक है, तो सोचा कि आपको वहाँ पर लेके चलते हैं। तो चलें जी, आपको लेके चलते हैं चक्कर ट्रैक। लेकिन लोकेशन पे पहुंचने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो जनाब, हमारा सफ़र शुरू होता है फैज़ाबाद रावलपिंडी से। फैज़ाबाद रावलपिंडी से जंगल ट्रैक का सफ़र है 6 किलोमीटर का, जो कि हम तय करेंगे 12 मिनट में। फैसल एवेन्यू से होते हुए हम पहुंचेंगे शकरपरिया इंटरचेंज ब्रिज पर, जहाँ पे हमें अपने लेफ्ट साइड पे जंगल ट्रैक का साइन बोर्ड भी नज़र आएगा। शक्करपरिया इंटरचेंज ब्रिज इस्तेमाल करते हुए हम पहुँचेंगे शक्करपरिया रोड पर, जहाँ पर हम लोक विरसा शक्करपरिया क्रॉस करने के बाद अपने राइट साइड पे पाएंगे जंगल ट्रैक, जो कि आज का हमारा डेस्टिनेशन है। सर 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 सर, वालेकुम सलाम। अशमा भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, करम अल्लाह पाक का सर। आप सर, बस ये एक जगह नहीं आई थी हमारे के जंगल ट्रैक, तो हमने सुना उधर जाके ब्लॉग किया जाए, तो उस वजह से आपको बुलाया। और उसने कहा सर, क्यों ट्रैक चेक करते हैं जी। तो जनाब, ये है जंगल ट्रैक, बिल्कुल शक्करपरिया और लोक विरसा के साथ है। तो ऐसे आगे क्रॉस करेंगे आप, तो आपको ये जंगल ट्रैक राइट साइड पर नज़र आएगा, अगर आप ये रावलपिंडी वाली साइड से आ रहे हैं। चलें जी, एंट्री मारते हैं इसके अंदर, चलते जाएं साकिब भाई। अशमा भाई, किधर रह गए आप? अच्छा, वो अपनी वीडियो सुना रहे हैं। बहुत ही पीसफुल जगह लग रही है और इतना रश भी नहीं नजर आए। मे भी ये भी हो सकता है कि रास्ते बंद हैं, इस वजह से लोग यहाँ पे नहीं आ रहे। जी सर, आइए ना सर, आगे हैं ना, थोड़ा सा इधर आके बताएं ना सर। कोई नहीं सर, ये मुझे लग रहा है सिर्फ ट्रैकिंग है और कोई मैप शैप नहीं दिया हुआ जिस पे लिखा हो कि कितना बड़ा ट्रैक है। ट्रेल 3 पे जाते हैं, ट्रेल 4 पे जाएं, ट्रेल 5 पे जाएं, उधर आपके सामने मैप होता है, मैप पे आपको सब कुछ आइडिया हो जाता है। लेकिन सेकंड ट्रैक शायद डिफरेंट है यहाँ से, ये वाला सेकंड ट्रैक तो नज़र नहीं आ रहा मुझे, शायद वो दूसरी जगह पर हो। ये जी हमारे साकिब भाई माहौल ख़राब कर रहे हैं, इन्होंने कहा जी इतनी सरसब्ज जगह है तो थोड़ा सा यहाँ पे पोल्यूशन भी होना चाहिए, तो इन्होंने साथ ही सिगरेट लगा लिया है। पोल्यूशन ही ठंड हो गई है, ठंड हो गई है, ठंड की वजह से सिगरेट लगाया आपने। अच्छा, तो ये ठंड में सिगरेट जो है आपको मसलन के थोड़ा सा कंफर्ट देता है, गर्मी का एहसास होता है आपको ऐसे ही? चले। अच्छा जी हशमत भाई, सीन ये था, तो कुछ दिन पहले ना इंटरनेट के ऊपर मैंने ना वैसे ही जंगल ट्रैक के बारे में ना थोड़ा सा मेरे सामने वीडियोस वगैरह आई, तो इस वजह से आज आपको इमरजेंसी कॉल करके बुलाया। मैं कहा दिन भी है, टाइम भी है, तो वैसे तो आप अवेलेबल होते नहीं हैं, साकिब भाई भी अवेलेबल नहीं होते, तो हमने कहा कि चले। हाँ जी, दो छुट्टियां हैं, तो मैं कहा थोड़ा सा टाइम स्पेंड यहाँ पर ही कर लें। और थैंक यू सो मच सर, आप एक कॉल पर फ़ौरन पहुँचे। साकिब भाई, आपका भी थैंक यू सर, थैंक यू आपका।
बस हमें आपसे पार्टी चाहिए यार, हम आपके साथ हैं। सर पार्टी पार्टी है, मेरी कंपनी ही पार्टी है। ठीक। अच्छा तो व्यूअर्स सीन ये है कि हमें कोई आइडिया नहीं है, चलते जा रहे हैं। असल में अगर कोई मैप वगैरह इधर सामने होता तो नहीं। अब साकिब भी जितने भी ट्रैक होते हैं ना, ये फैमिली लोकेशंस ही होती हैं। इशू ये होता है कि आप सेफ कितने होते हैं, गवर्नमेंट आपको कितना प्रोटेक्शन दे रही है ट्रैक्स के ऊपर, कि आपकी कोई चौकियाँ लगी हुई हैं, कैमरेज लगे हुए हैं। सर मेरा नया ट्रैक के अभी डेवलप हो रहा है, डेवलप शायद ना हुआ तो अभी शायद डेवलप हो रहा है, और ये डिफरेंट ट्रैक इस वजह से है कि जो बाकी ट्रैक हैं उसमें आपको हाइकिंग है, पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, और ये स्ट्रेट मुझे अभी तक जो है वो स्ट्रेट जा रहा है। पुरसकून नहीं, पुरसकून तो ट्रैक सारी इस्लामाबाद वैसे पीसफुल होता है, लेकिन ये सर पता नहीं ये अब बारिश से बन गई है या खुद बनाई है, कोई छोटी सी झील जरूर है ये। मेरे ख्याल से भी डेवलप हो रहा है ये ट्रैक। सर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू होना चाहिए, आगे जा रही है लगता पहले। हाँ नहीं नहीं, ये मेरे ख्याल से ये पहले हमें देख के रुके, ये भी जंगल ट्रैक ढूंढ रहे थे, इन्होंने हमें देखा है वहाँ पे खड़े हुए, तो उन्हें आगे लेफ्ट राइट देखा तो उन्हें जंगल ट्रैक का वो बोर्ड नजर आया तो रोक के बाइक साइड पर लगाया उन्होंने। ये पहले नहीं मेरे ख्याल से आए हुए। आप ये साउंड सुन रहे नेचुरल, जैसे परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, बर्ड्स की आपको वॉइस आ रही है, जो भी ट्वीट्स कहते हैं जिन्हें, चाहे चाहना इनका परिंदों का, बहुत पीसफुल है। सर ठंड मीम सुनी, दवाई है। दवाई दवाई है, दवाई भरी तो नहीं हुई इसके अंदर। व्यूअर्स अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं और अच्छी जगह पर मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं और ये भी कितना मुश्किल भी ना हो, तो ये जंगल ट्रैक अभी तक मुझे बड़ा बेहतरीन लगा है कि स्ट्रेट है और हाइकिंग नहीं है, पहाड़ पे चढ़ना नहीं पड़ रहा आपको, बस स्ट्रेट वॉक करनी पड़ रही है अभी तक तो। नहीं ये असल में जंगल ही है, जंगल के अंदर एक ट्रैक लगा रही है, बाकी आप ट्रेल 3 ट्रेल 4 इस्लामाबाद में जाएं, ट्रेल 5 में जाएं, वो पहाड़ों के ऊपर ट्रैक बने हुए हैं, ये प्योर एक प्रॉपर जंगल की तरह। अब अल्लाह ना करे कभी सामने से कोई तेंदुआ शेंदुआ निकल आए। रात के वक्त खतरनाक भी है साकिब भाई, ट्रैक रात को बंद करते हैं सारे, क्योंकि आपको पता है जितने भी जंगली जानवर वगैरह होते हैं, आपको पता है पिग्स वगैरह इस्लामाबाद में बहुत हैं और तेंदुए वगैरह लेपर्ड बहुत हैं, तो इस वजह से इन जगहों को ये अभी सर जंगल का माहौल आना शुरू हुआ है। दरख्त ऊपर नीचे आपके ट्रैक पे आ रहे हैं, साकिब भाई मुझे भी सर्दी लग रही है, कैमरा होल्ड करेंगे? कैमरा होल्ड करेंगे आप? लें जी, यहाँ से ऑफ रोड शुरू हो जाता है ये जी, यहाँ पे रोड कच्चा हो गया, ऑफ रोड हो गया ये, ऑफ रोड हो गया। अब ये इस्लामाबाद में बारिश भी हुई है और स्लिपरी सा है खासा रोड, बाहर कोई बोर्ड नहीं था कि ये कितना लेंथी है, क्या सीन है, कुछ भी नहीं।
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, डायरेक्शन दी वो मैप बताया हो कि कितना किलोमीटर का ये ट्रैक है और कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से अभी अंडर डेवलपमेंट में है, ये मोड में है, तो इस वजह से वो अभी तक अभी काम नहीं फिर से हो रहा। भाई देखने जंगल काटा हुआ लग रहा है साइडों से, आप देख रहे हैं वो ट्रैक बनाया हुआ है यहाँ। बेसिकली सबसे पहले ना ऐसे लोगों पर आपको अपनी सेफ्टी देखनी है और यहाँ पे फिल वक्त सेफ्टी का कोई नामो निशान नहीं, नामो निशान नहीं है सेफ्टी का। आप बिल्कुल अनसेफ हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पुराना ऐसा कुछ चीज़ आपके सामने आ जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते भागने के अलावा। भागने के अलावा सिर्फ आप कोशिश करें जब भी आए। और स्टार्ट की जो चेक पोस्ट थी वहाँ पे भी कोई नहीं था, खाली थी इस वक्त। आप जब भी इस ट्रैक पे आए कोशिश करें मैक्सिमम फ्रेंड मिल के आए ताकि वो एक हजूम हो। अच्छा इन इस जंगल में ना पिक्स बहुत हैं मेरा, क्योंकि अल्लाह का नाम अल्लाह। ये देखें ये भी ट्रैक जा रहे साकिब भाई, ये दिखाएं ये ट्रैक भी किस जगह पर जा रहा है और हमें आइडिया नहीं है कि हमने किस ट्रैक पे और ये काफ़ी डेंजरस टाइप का, इस वजह से इधर जाना बनता नहीं। इंशाल्लाह हम आपको इसी ट्रैक का नेक्स्ट व्लॉग बना के देंगे पूरे एक तैयारी के साथ, तैयारी के साथ इंशाल्लाह। और जल्दी जल्दी आपको एक नया व्लॉग शायद जब तक वो डेवलप ही हो जाए, नहीं डेवलप होने से पहले पहले ही इसका हम प्रॉपर एक प्रॉपर तैयारी के साथ आएंगे यहाँ पे और प्रॉपरली आपको व्लॉग दिखाएंगे, इसका वीडियोज दिखाएंगे, व्यूज दिखाएंगे, जगह बताएंगे आपको कि आपने यहाँ पे आना है और किस तरीके से आना है। मगर इस वक्त हम लोग अनसेफ है बहुत ज़्यादा और अननोन है और कोई पता नहीं हम किधर जा रहे हैं। सर इसमें गलती मेरी है, मैंने असल में आपको एमरजेंसी कॉल की, मेरे पास टाइम था तो अगर मैं थोड़ा सा पहले बता देता तो शायद आप समझ जाते मेरी बात को। मैंने वैसे ही एमरजेंसी में कॉल करके बता लिया चले हैं जी चलते हैं जंगल। यहाँ से यहाँ पर मैंने लास्ट एक वीडियो देखी थी एक साहब की, उन्होंने गाड़ी पार की तो जैसे वो इन हुए थोड़ा सा ट्रैक क्रॉस किया तो उनको ना वो लैपिड नज़र आया इसी ट्रैक के ऊपर। अच्छा तो वापस आ गए तो नहीं उनके वो प्रॉपर एक तैयारी के साथ है, मेरे ख्याल से ही आगे से ऑफ हो गया, आगे फिर दोस्त वापस आ रहे हैं। भाई से पूछते हैं बस भाई आगे हैं हम भी अननोन फर्स्ट टाइम ही आए हैं। अच्छा रोड निकला है, रोड तो नहीं निकला है लेकिन ये रोड पे पहुंचेगा हमें लग रहा है। रोड वो इस तरह होगी ना, नीचे रोड नीचे भी एक बैरियर टाइप का बनाया था। अच्छा मैं वही कह रहा था बाकी ट्रैक्स के ऊपर ना जितने भी ट्रेल टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सब पे मैप वगैरह दिया हुआ था, सबको आइडिया दिया। साइकिलिंग के लिए बनाया, साइकिलिंग के लिए बनाया सिर्फ साइकिलिंग के लिए बैठे क्योंकि ये थोड़ा अगर साइकिलिंग के लिए होता तो स्टीप हो जाता ना थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसे ही साइकिलिंग ऊपर की तरफ जाता। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। ओके बॉस। अच्छा हर्षमित भाई, ये भाई कह रहे थे ये ट्रैक जो है ना ये सिर्फ साइकिलिंग का ट्रैक है, आगे ये रोड पे निकल रहा होगा ट्रैक। लुक लाइक द जंगल मूवी यू नो, जंगल माहौल वही है सारा एनवायरनमेंट। आपने एक मूवी देखी थी, मूवी शायद जंगल जंगल। अभी ये साइड पे देखो मुझे वो जो ट्रैक नजर आया ना बीच में वो मुझे लगता है वो थोड़ा ट्विस्ट वाला था। शिव भाई पीसफुल तो है मगर डेंजरस भी है। आपको जब भी आना पड़ेगा यहाँ पे बिल्कुल अपने एहतियात के साथ आना पड़ेगा, सेफ्टी आपकी बस पूरी तैयारी के साथ होनी चाहिए। आगे चलना ताकि भाई चलते जाएं जहाँ तक जा रहा है। होल्ड करें मदद हो रहा भाई।
डेंजर है। अच्छा आगे से ना आवाजें आना शुरू हो गई हैं, शायद कोई आगे रोड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ट्रैफिक की आवाज है ज्यादा। खामोशी इस वजह से हो गई है, मुझे लग रहा है थोड़ा साथ में डर से नर्वस से हो। सर ये भी एक ट्रैक जा रहा है, ये भी एक ट्रैक जा रहा है शायद, लेकिन लेफ्ट राइट दोनों तरफ हमें अंदाजा नहीं है कि अंदर है। मुझे लग रहा है जी ये किसी जानवर शानवर ने अपने ट्रैक बनाए हुए, ये जानवर वगैरह ने कोई अपने ट्रैक बनाया शायद। पिग्स जो हैं वो हमेशा एक कम्युनिटी में मूव करते हैं, ग्रुप की सूरत में मूव करते हैं। मे भी जब वो मूव किए हो यहाँ पे तो ये रास्ता बन गया हो। ये भाई जी जी, मेरे ख्याल से हमें वापस जाना बेहतर है, वापस जाना बेहतर है। आगे आइडिया नहीं है, साइड से राइट साइड से ना कोई आवाज आ, साउंड आ रहे हैं बिल्कुल, मैंने भी साउंड सुने हैं, वो अजीबो गरीब से कोई साउंड है, तो मेरा ख्याल से मूव करना चाहिए, मूव करना चाहिए बेहतर है इससे पहले कि हम भागना शुरू हो जाए। चलें जी साकिब भाई, सेफ्टी मस्ट है। ये हमारा अभी तक का भाई, ये साइड है ना हमारी, ये इस साइड बिल्कुल जी मेरी आवाज़ आई है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कोई पत्ते शत्ते हिलने की और एक अजीब सी आवाज़ आई है यहाँ से, बेहतरी है मूव किया जाए। क्यों जी मूव करें साकिब भाई, मूव करें, मूव करना ही बेहतर है। देखें बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल हम खाली आ था साकिब भाई, आ हम बिल्कुल ही हमारे जी टार्जन है ये साकिब भाई, टार्जन इस लिहाज से टार्जन ऐसे हैं कि भागते ऐसे हैं दरख्तों पर चढ़ के नजर नहीं आते, जुमांजी हैं जुमांजी टाइप के भागते हैं, और हम जो बेचारे कमजोर से थोड़े से हमारे लिए भागना मुश्किल है। अच्छा जी यहाँ पे हमारा व्लॉग खत्म होता है, अब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।